Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK family? I hope सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, family और पढ़ाई का दिन काफ़ी अच्छे से रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आज एक स्पेशल डे है. आज M विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है. उसी के उपलक्ष्य में इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है. हालांकि इसे इंटरनेशनल दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे देशों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे कि अर्जेंटीना है, वो खुद का इंजीनियर्स डे मनाता है 16 जून को. बांग्लादेश और इटली है वो 15 जून को. टर्की है वो 5 सितंबर को. ईरान है वो 24 फरवरी को. बेल्जियम है वो 20 मार्च को. रोमानिया है वो 14 सितंबर को. इसे इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जिनकी वजह से हमने बहुत कुछ अचीव किया है, हमारा जो रास्ता है वो प्रगति पर पहुँच गया है. क्योंकि इंजीनियरिंग के बिना हमारे देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है. हर फील्ड के लिए इंजीनियर्स ज़रूरी होते हैं. इन्हें इनके जो काम है जिनकी वजह से भारत रत्न भी मिला है. एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम क्या है, अगर आप ये जानते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा. ये बहुत ही स्पेशल नाम है. जब मैंने पढ़ा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, थोड़ा सा धार्मिक हो गया था. और इनको ये जन्म इंजीनियर्स डे को इसे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था 1968 के अंदर, जबकि इनका जन्म है वो 15 सितंबर 1860 के अंदर हुआ था. इन्होंने काफ़ी सारा काम किया था हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि इन्होंने कृष्णराज डैम बनाया था और खड़कवासला के अंदर भी डैम बनाया था और तिगरा बांध भी बनाया था, मतलब जो ग्वालियर के अंदर लोकेटेड है. ऐसे ही काफ़ी सारे और भी बनाए थे, लेकिन ये मेन है. और जो हमारी हैदराबाद सिटी है, जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी रही है हमारी कंट्री के लिए, और उसी को उसको बनाने का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा क्रेडिट है वो इनको ही जाता है. और इन्हें जो मॉडर्न मैसूर है उसका भी पिता बुलाया जाता है. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है. तो इनके बारे में आई थिंक मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा है, लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं. फिर भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप जानते हैं और जानने चाहिए दूसरों को भी, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आज की स्पेशल कोटेशन क्या है हमारी, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं लेकिन जितने रास्ते मुश्किल होंगे आपकी डेस्टिनेशन उतनी ही ब्यूटीफुल होगी. इट मीन्स जैसे कि हम UPSC के लिए पढ़ाई करते हैं, उसके लिए पढ़ाई करना हर किसी के बस का नहीं होता है. दिन रात जागना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. वो उसी हिसाब से अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, जो आपकी डेस्टिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. क्योंकि एक आप एक IAS, एक IPS, एक IFS इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर जाएंगे कि आप अपनी जो अगर दिल से सेवा करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए. बिकॉज इस ये ऐसी सर्विस है जिसकी वजह से आप दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं. और इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आप दूसरे को खुशी दें. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ में मैंने पूछा था कि गुजरात के जो नए चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किए गए हैं वो कौन है. हमारे ऑप्शंस थे अहमद पटेल, भूपेंद्र पटेल, अजय माकन या फिर मितेश पटेल. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये भूपेंद्र पटेल हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि भूपेंद्र पटेल को इलेक्ट किया गया है एक चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात का. ये एक सरप्राइज चॉइस जानने को मिल रही है. और भूपेंद्र पटेल हैं वो 17th चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं गुजरात के. और इन जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो विजय रूपानी थे. इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था सैटरडे को. मिस्टर पटेल हैं वो MLA बने थे गठलोडिया सीट, जो अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है, 2017 के अंदर. करीबी माने जाते हैं आनंदीबेन पटेल के, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं गुजरात की. फिर अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का, मिलेट मशीन ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है तो ये किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है. चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में. छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बाघेल. इन्होंने अनाउंस किया है मिलेट मिशन, जो बाजरा होता है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे स्पेशल. इसका एम क्या रखा गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको अपनी जो क्रॉप है, जो लघु क्रॉप है, उनके लिए अच्छा प्राइस मिले. इस इनिशिएटिव की वजह से चीफ मिनिस्टर हैं उनका विजन क्या है कि वो इंडिया के अंदर मिलेट हब बनाना चाहते हैं. इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इसके साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ में, जिसे इन शॉर्ट IIMR बुलाते हैं, और हैदराबाद के जो कलेक्टर्स हैं 14 डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ में. और अदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं इसके मिलेट मिशन की, कि फार्मर्स को इंक्लूड किया जाएगा, कि उनको इनपुट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, वो किस तरह से अपनी फसल को प्रोक्योर कर सकते हैं उसके अरेंजमेंट की जाएंगे, फार्मर्स को एड भी दी जाएगी अपनी फसल की प्रोसेसिंग करवाने के लिए, और इंश्योर किया जाएगा कि फार्मर्स को हर तरह के बेनिफिट्स मिले, एक्सपर्टीज़ मिले, जो भी एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन तक पहुँचाई जा सकें. फिर अगला क्वेश्चन है, नवखाई जौहर,
ये फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये तो हमें पता ही होना चाहिए क्योंकि ये 14th of September को है, लेकिन हमें क्या बताना है ये कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, मणिपुर, ओडिशा, बिहार। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। नोखाई जोहर ये एक एग्रेरियन मतलब कि कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल है जो कि ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्टर्न ओडिशा और सदर्न छत्तीसगढ़ के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर ये क्या किया जाता है जब गणेश चतुर्थी होती है तो उसके एक दिन के बाद में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और नोखाई का मतलब क्या होता है? नौ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है फूड। इसका मतलब होता है कि ये जो भी नया फेस्टिवल जो भी नई फसल है उसको हार्वेस्ट करने के बाद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इसको देख लेते हैं ओडिशा स्टेट को कौन कौन से स्टेट हैं वो टच करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे पहुँच गए। ये है ओडिशा, ओडिशा को टच करने वाला आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है और इस साइड से बे ऑफ बंगाल लगता है। चलिए आपने देख लिया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बताना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं तो महाभियान योजना। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना हमें? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया है। बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा डेटा प्रेजेंट किया गया है, उसके अंदर इंडिया है, उसने इंडिया के अंदर टॉप किया है हरियाणा ने पीएम कुसुम के अंदर इंस्टॉल करने में ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स की। इनको टारगेट दिया गया था कि 15,000 जो सोलर पंप्स हैं उनको सैंक्शन किया गया था और इस टारगेट को अचीव करने में हरियाणा के अंदर 14,418 पंप्स हैं वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और ये बजट के अंदर दिया गया था 2020-21 के अंदर और इसकी कॉस्ट बताई गई थी 520 करोड़। ये पीएम कुसुम स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी और इसके अंदर इंस्टॉल करने का टारगेट रखा गया है कि 20 लाख जो स्टैंड अलोन सोलर पंप्स हैं इनको इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अंदर फार्मर्स को 40% जो कॉस्ट है वो खुद बियर करनी पड़ेगी और बाकी की कॉस्ट है वो सेंटर और स्टेट हैं वो सब्सिडाइज करके दे देंगे जो 60% है। और इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए 10 HP की। हालांकि हरियाणा है और काफ़ी सारे और स्टेट्स हैं उनके अंदर एडिशनल टॉपअप है वो दिया गया है सब्सिडाइज करके फार्मर्स को और इस वजह से इनका शेयर है वो 25% तक और कम हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है रिसेंटली क्या हुआ है? पार्टनरशिप ऑफ एडवांस क्लीन एनर्जी से इन शॉर्ट पेस बुलाते हैं, ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये साइन हुआ है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? हमारे ऑप्शन है USA, चाइना, रशिया, जर्मनी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये USA के साथ में साइन किया गया है। इसको देख लेते हैं। रिसेंटली रिवैम्प किया गया है US इंडिया स्ट्रेटजिक क्लीन पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जिसे इन शॉर्ट स्कैप बुलाते हैं। इसके अंदर लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ US की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है इन दोनों ने मिलकर किया है इसे। इसके अंदर पार्टनरशिप और टू एडवांस क्लीन एनर्जी से पेस बुलाते हैं, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर क्लीन एनर्जी US और इंडिया के बीच में जॉइंटली काम किया जाएगा इनके रिलेटेड जो भी इशू हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके, क्लीन एनर्जी को लाया जा सके और क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सके। इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं 3 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? पेस के अंदर रिसर्च, पेस के अंदर डेवलपमेंट और पेस के अंदर ऑफ ग्रिड एनर्जी एक्सेस। फिर जान लेते हैं स्कैप के बारे में। स्कैप लॉन्च किया गया था US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की जो पार्टनरशिप बनाई गई है उसके अंदर अनाउंस किया गया था दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा। और ये कहाँ पे अनाउंस किया गया था? जो समिट हुई थी क्लाइमेट के ऊपर 2021 के अंदर। और इस पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं, इसका एम क्या रखा गया था? ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके बायलैटरल कोऑपरेशन के द्वारा। इसको पार्टनरशिप को प्रोसीड किया गया था, इसके साथ में दो मेन ट्रैक रखे गए थे, वो कौन कौन से थे? स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। और इंडिया ने इस पार्टनरशिप को 2018 के अंदर इवेलुएट किया था। फिर अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है जिसे इन शॉर्ट IADMC बुलाते हैं, इसी कहाँ पे हुआ ये बताना हमें? कोची, सूरत, लखनऊ, मुंबई। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये लखनऊ के अंदर हुआ है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग ये अलॉन्ग साइड हुआ है जो डेक्सपो होता है, हमारा डिफेंस एक्सपो होता है उसके साथ में। इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन की जो फाउंडेशन है वो बेस्ड है दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर जिनका नाम है सागर। सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और दूसरा क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली है। पहली बार हुआ है कि इंडिया अफ्रीका का डिफेंस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ है जिसे इन शॉर्ट IADMC बुलाते हैं। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और इसके अंदर जो डिफेंस एक्सपो है वो कब हुआ था? February 6, 2020। इसी के साथ में ये भी हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है।
इस सीरीज के अंदर पैन अफ्रीका इवेंट्स और मिनिस्टर लेवल के ऊपर पहली बार ये हुआ है अफ्रीकन समिट के अंदर एक जॉइंट डिक्लेरेशन जिसका नाम रखा गया है लखनऊ डिक्लेरेशन इसे अडॉप्ट किया गया है कंक्लूजन के बाद में IADMC 2020 जो इस डॉक्यूमेंट के कॉन्क्लेव के रूप में निकल कर आया है। फिर अगला क्वेश्चन है इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसके साथ में रिसेंटली लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जिसे इन शॉर्ट CFMD बुलाते हैं। माय ऑप्शन है USA फ्रांस स्पेन बांग्लादेश। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये USA के साथ में साइन किया गया है। देख लेते हैं इंडिया और USA ने लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन जिसे इन शॉर्ट CFMD बुलाते हैं। इसके अंदर दो ट्रैक्स रखे गए हैं कि US क्लाइमेट जो एनर्जी एजेंडा है 2030 पार्टनरशिप और लॉन्च किया गया है लीडर समिट 2021 अप्रैल के अंदर। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस किया है, उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और US के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जोसेफ बाइडन सेम शॉर्ट हम जो बाइडन बुलाते हैं, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया इसे। इस डायलॉग के अंदर फॉर्मली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव और एम जॉन कैरी US के जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय हैं क्लाइमेट के लिए, कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली के अंदर। इस डायलॉग के अंदर सिर्फ इंडिया और USA के बीच में बायलेटरल कोऑपरेशन को नहीं बढ़ाया जा रहा क्लाइमेट के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, बल्कि डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि कैसे वर्ल्ड एक साथ मिलकर जो क्लाइमेट एक्शन के रिलेटेड जो भी इंक्लूसिव और रेजिलेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है और क्या कर सकता है नेशनल सर्कमस्टेंसेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज भी रख सकता है। इसे लॉन्च किया गया है बायलेटरल मीट के दौरान जब डिस्कस किया गया था एक वाइड रेंज क्लाइमेट इश्यूज़ को COP26 के अंदर, क्लाइमेट एम्बिशंस को, क्लाइमेट फाइनेंस को, ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को, जिनके अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंक्लूड है जिसे इन शॉर्ट ISA बुलाते हैं, और एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जिसे इन शॉर्ट AIM4C बुलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? सलाइन गार्गल RT-PCR टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। इसे डेवलप किया गया है नेशनल एनवायरनमेंट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन शॉर्ट NERI बुलाते हैं। ये इंस्टीट्यूट काम करता है DRDO के अंदर। तो मीन्स कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है हमें? फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि DRDO का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर काम करता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे इन शॉर्ट CSIR बुलाते हैं। अभी क्या हुआ है, नागपुर बेस्ड नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे इन शॉर्ट NERI बुलाते हैं, इसने ट्रांसफर किया है क्या कि इंडिजिनियसली डेवलप किया जा सकता है सलाइन गार्गल RT-PCR टेक्निक को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ये कहा गया कि इसको कमर्शलाइज करेंगे। और सलाइन गार्गल RT-PCR टेक्नोलॉजी है ये एक सिंपल फास्ट और कम पैसे लगने वाली और पेशेंट के हिसाब से कंफर्टेबल और फ्रेंडली एक टेक्नोलॉजी है। ये इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है जो कि रूरल और ट्राइबल एरियाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत ही छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है इसको। और इसे ये सब किसके द्वारा बताया गया है? ये इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है खुद। इसे क्यों बनाया जा रहा है? इसकी लाइसेंसिंग है उसको और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है ताकि जो थर्ड वेव आने की जो संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए इसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक किया जा सके और अच्छे से प्रोसेस किया जा सके, और जो भी इसे कंडक्ट कर सकता है उन सभी को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम COVID-19 की जो थर्ड वेव है उसे लड़ सकें। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसी रेफरेंस में? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया इन्होंने, इनके बारे में मैंने ये तीसरी बार क्वेश्चन है जब मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अब भी आपको याद नहीं रहा तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आपका रिविज़न बहुत ख़राब हो रहा है, अच्छे से रिविज़न कीजिए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ये क्लो ग्लोबल के द्वारा ली गई है। क्लो ग्लोबल इसे जनवरी 2019 के अंदर बनाया गया था। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? मेजर विवेक जैकब जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और ये पैरा स्पेसिफिक फोर्स ऑफिसर हैं। तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है? फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक 8 मेंबर्स की टीम जो कि पीसफुल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वैसे तो डिसेबिलिटी नहीं कहना चाहिए बिकॉज इन्होंने अपनी जो जो अचीवमेंट्स की हैं वो किसी भी हिसाब से डिसेबल नहीं लगती हैं, क्योंकि इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत ही ऊंचा है उसकी हाइट में 15,632 फीट तक चढ़ गए हैं। ये एक लार्जेस्ट टीम है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस टीम को किसके द्वारा ट्रेन किया गया है? क्लो ग्लोबल के द्वारा, और ये स्पेसिफिक वेटरन्स फोर्स वेटरन्स हैं जो कि जिन्होंने अपनी फोर्स क्यों छोड़ दी थी? डिसेबिलिटी की वजह से छोड़ दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? बायो डीकम्पोजर के बारे में बताना है।
पूसा डीकम्पोजर ये कैप्सूल है जो कि डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, पूसा डीकम्पोजर एक एसेंशियल फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि एक बहुत ही हार्ड स्टबल को भी इतना सॉफ्ट कर देता है कि उसे जो फार्मर्स हैं वो अपनी मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसके अंदर आराम से खेती कर सकते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली दोनों है फिर दोनों में से कोई नहीं, तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इसे CSIR के द्वारा नहीं डेवलप किया गया है, इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसे इंसोट इरी बुलाते हैं इसके द्वारा डेवलप किया गया है। बायो डिकम्पोजर टेक्निक जो कि एक स्मैशिंग सक्सेस है, जो कि स्टबल बर्निंग है कैपिटल के आसपास के एरिया के अंदर उसको रोका जा सकता है, ये चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपील की गई है कि सारे जो आसपास के स्टेट्स हैं वो स्टबल बर्निंग और पोल्यूशन को रोकने के लिए इसका यूज़ करें। खेती है उसके अंदर हम जब फसल काट लेते हैं उसके बाद में जो भी स्टबल बच जाता है, जो भी जैसे कि पराली वगैरह बच जाती है तो उसको हम जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। किस कोरिया के अंदर जो नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन्स हैं और जो कि दिल्ली है वो तो पहले से ही पोल्यूटेड है और उसके आसपास के एरिया के अंदर भी और भी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। ये एक प्रैक्टिस ही कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, ज़्यादातर ये नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर जैसे कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश यहाँ पर की जाती है, ताकि अगली जो फसल है जो रबी क्रॉप है वीट है जो हमारा गेहूँ है उसकी उसे उगाया जा सके, और इसी वजह से ये पराली है उसको जला देते हैं और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जो हमारी मिट्टी है जो सॉइल है जिसके अंदर हम फसल उगाते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसी को टैकल करने के लिए पूसा डीकम्पोजर कैप्सूल को बनाया गया है। इरी के द्वारा जब रिसर्च की गई तो उनके सामने 7 तरह के स्ट्रेन्स निकल कर आए फंगी के, और इस रिसर्च के अंदर इन्हें हेल्प मिली और इन्होंने जो 7 फंगस हैं उनको 4 कैप्सूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हमारे लिए, क्योंकि किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए, और जो किसानों की आय है वो 2022 तक डबल करने की कोशिश की जानी है तो उसको पाने के लिए इसे ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, इसको उठाया जा सकता है, इससे किसानों को भी फायदा होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, इसे हम क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम्स को भी रोक पाएंगे। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रिटेरिया है जो ज़रूरी है एक आदर्श गांव बनने के लिए? गरीबी उन्मूलन है उसके अंदर 50% तक कमी आनी चाहिए 3 साल के अंदर, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम होनी चाहिए, प्रेगनेंट वुमेंस की 100% जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो होनी चाहिए। इनमें से कौन सा कोड है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज़ ये सभी की सभी स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इन्होंने कहा है कि ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है उसको 36,000 विलेजेस से शुरू करेंगे इंडिया के अंदर, इसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो 50% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको दी जाएगी। इस स्कीम को स्टार्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और 1700 ट्राइबल विलेज हैं आसाम के अंदर वो भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे, मॉडल विलेज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ 184 नए वन धन केंद्र बनाए जाएंगे आसाम के अंदर, जिसकी वजह से 60,000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसे लॉन्च किया गया था एक एम के साथ में कि जो SC मेजोरिटी विलेज है उनको डेवलप किया जा सके। इसे टेक्निकल असिस्टेंस दी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसे इन शॉर्ट NIDRD बुलाते हैं, NIRD एंड PR बुलाते हैं, नेशनल लेवल पर प्रोवाइड किए गए। फिर ये वो क्राइटेरिया हैं जो कि ज़रूरी हैं एक आदर्श ग्राम बनने के लिए, तो उनको देख लेते हैं। इसकी ये सभी क्राइटेरिया हैं वो 3 साल के अंदर कंप्लीट होने चाहिए जो टारगेट्स हैं वो, इसके अंदर जो गरीबी उन्मूलन है वो 50% होनी चाहिए 3 साल के अंदर, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी है वो कम होनी चाहिए, 100% जो डिलीवरी है माताओं की वो कहाँ पे होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर होनी चाहिए, 100% इनरोलमेंट होनी चाहिए और चाइल्ड हैं वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन स्टेज है उसके ऊपर जाने चाहिए ज़रूरी से ज़रूरी, और विलेज हैं उनको 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कि खुले में से शौच मुक्त बनाना है इनको, और लोगों की एक्सेस होनी चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी तक और सस्टेनेबल बेसिस पे होनी चाहिए ये, पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बच्चों का, हर तरह के वेदर रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए विलेजेस के अंदर, 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोई भी डेथ हो या फिर बर्थ हो, कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, कोई पोल्यूशन कोई भी पब्लिक कंजप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो लीकर है या फिर जो नशीले पदार्थ हैं वो नहीं लिए यूज़ किए जाने चाहिए, 100% अलॉटमेंट होनी चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की और इनके अंदर जो हाउसेस हैं उनकी। फिर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, इनमें से कौन सा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पास कर रही है एक बिल को
जिसके अंदर डिस्पेंस किया जा रहा है नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे इन शॉर्ट हम नीट बुलाते हैं, और अलाउ किया जा रहा है कि मेडिकल कोर्सेज के अंदर ट्वेल्थ के अंदर जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी नंबर्स लिए हैं हमने, उनके हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाए, ताकि इंश्योर किया जा सके सोशल जस्टिस को। हमारे ऑप्शन हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, झारखंड। और आप ये भी बता सकते हैं कि नीट का एग्ज़ाम है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर आपकी खुद की क्या ओपिनियन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोड्यूस सोर्सेज टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।